अब इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन लेंगे स्टेबिलिटी का। सो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा, स्टेबिलिटी हर तरह से मैं आपको बताऊंगा। सो सिग्नल में मैंने काफ़ी बातें आपको स्टेबिलिटी के केस में आपको बताई थी, ठीक है। और मैंने आपको शायद ये भी कहा होगा कि स्टेबिलिटी का जो और मीनिंग जो भी हैं, बेसिकली और भी जो डेफिनेशन स्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं, स्टेटमेंट्स जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको कंट्रोल सिस्टम में बता दूंगा, ऐसा शायद मैंने कहा होगा। मैं नहीं जान मेरे को याद नहीं है, ठीक है। सो अब थोड़ा स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टेबिलिटी बेसिकली जब भी हम किसी कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, सो हमें तीन चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। एक सर्टेन तरह की हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सो स्टेबिलिटी, ठीक है, एप्लीकेशन के हिसाब से जो आपका रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। सो ये आप एक सर्टेन एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो आप मैथमेटिकल मॉडल उसका करते हैं तैयार कि भैया ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसके बाद आप फिजिकली इम्प्लीमेंट करते हैं डिज़ाइन में, ठीक है। ऐसे ही स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या चाहिए वो भी आप डिज़ाइन में डालेंगे। सो ये आपको एनालिसिस पहले करना होता है, ठीक है, कि इस तरह का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स चाहिए सिस्टम से, इस तरह का स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स चाहिए, सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। ये तीन आप चीज़ें देखते हैं और ये फिर जो भी आपको ये दोनों चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड हैं, पहली बात सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, फिर जो भी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है और जो भी आपको स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो आपको चाहिए उस सिस्टम से, उसके अकॉर्डिंग आपको सिस्टम में डिज़ाइनिंग करनी होती है फिजिकली, ठीक है। सो आप ये देखें दैट ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली जब भी आप सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन जो है सिस्टम का, दैट इज स्टेबिलिटी, ठीक है। सो स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन, क्यों? बिकॉज अगर कोई सिस्टम आपका है और वो अनस्टेबल आपने डिज़ाइन कर दिया, इफ देर इज अ सिस्टम एंड यू डिज़ाइंड इट अनस्टेबल, देन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आर मूड पॉइंट्स, ठीक है। इफ अ सिस्टम इज डिजाइंड अनस्टेबल देन दिस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आर मूड पॉइंट्स। मूड पॉइंट्स मीन, मूड पॉइंट का क्या मतलब हुआ, जिसको इसका इंग्लिश में मतलब पता होगा वो समझ गए होंगे बात को, और जिसको इसका मतलब नहीं पता इंग्लिश में, ठीक है, वो इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। सो हिंदी में भी वही बात होगी, ठीक है। सो बेसिकली मूट या जो भी है, कुछ भी आप इसको पढ़ लें, दैट मीन्स इलॉजिकल, ठीक है, इसका कोई सेंसलेस, ये सेंसलेस हो गया कि भैया आपने सिस्टम को अनस्टेबल डिज़ाइन किया और ये अनस्टेबल सिस्टम आपको एक सर्टेन डिजायर्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या एक सर्टेन स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आपको दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स अ अनस्टेबल सिस्टम कैन नॉट बी डिजाइंड टू गिव यू अ सर्टेन डिजायर्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड अ सर्टेन डिजायर्ड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। सो सबसे पहली जो कंडीशन है दैट इज कि आप सिस्टम को स्टेबल डिजाइन करो, उसके बाद जो आपको ये चाहिए और ये चाहिए वो आपको मिल सकता है, ठीक है। सो सबसे पहली जो डिजाइन क्राइटेरिया है दैट इज कि आप सबसे पहले सिस्टम को स्टेबल डिजाइन करो, ठीक है। सो आप ये इस तरह से भी सोच सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो आप इस तरह से सोचिए कि ये जो सिस्टम है इसकी जगह आप खुद को ले लीजिए, ठीक है। सो इसकी जगह आपने खुद को ले लिया बेसिकली, ठीक है। नाउ ह्यूमन लाइफ में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज स्टेबिलिटी, ठीक है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई गेट की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की कर रहा है, कोई ईएस के लिए लगा हुआ है, ठीक है, कोई एसएससी में घिस रहा है अपनी, ठीक है। सो जो भी है हमारा, बेसिकली हमारा गेट मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव, कोई भी इंसान है जो इस धरती पे है उसका मेन मोटिव है स्टेबिलिटी।
अब किसी आदमी को लगता है कि गेट निकाल के स्टेबिलिटी आ जाएगा, किसी को लगता है एएस निकाल के आएगा, किसी को लगता है ईएस से आएगा, किसी को लगता है एसएससी से आएगा, किसी को लगता है फोटोग्राफी से आएगा, किसी को लगता है कि भैया बॉलीवुड में जाके आएगा। तो वो अलग अलग सबकी वो सोच है। सो बेसिकली जो बेसिक्स किसी की भी रिक्वायरमेंट है दैट इज स्टेबिलिटी। ठीक है, एक बार स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके बाद आदमी अपना जो फर्दर उसने प्लानिंग कर रखी है वो अपनी लाइफ से जो भी उसको चाहिए वो करेगा वो। ठीक है, पहले स्टेबिलिटी तो आए, सो सबसे पहले वो स्टेबिलिटी के लिए मरवाता अपनी। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें वो देखता है। ठीक है, सो अब ह्यूमन ने अपना, अब बेसिकली ह्यूमन जो है वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को ही, किसी जब इंजीनियरिंग के फील्ड में जाता है ह्यूमन कोई भी आदमी, सो वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी उसमें इम्प्लीमेंट करता है किसी भी इंजीनियरिंग के उसमें। ठीक है, कुछ भी वो डिज़ाइन कर रहा है तो वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी उसमें इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, वेल डिज़ाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन खुद सोचेगा कि भैया मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेबिलिटी, सो वो एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करेगा जो स्टेबल हो। ठीक है, बिकॉज वो जानता है स्टेबिलिटी की अहमियत को, वो जानता है। ठीक है, सो ये चीज़ है बेसिकली। नाउ सो भैया बात ये हो गई कि भैया जो भी ह्यूमन है उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करेगा जो स्टेबल हो। ठीक है, नाउ सिस्टम डिज़ाइन करेगा स्टेबल हो, नाउ स्टेबल कब होगा, अब बात ये आती है। ठीक है, सो स्टेबल आने के लिए बेसिकली अब क्या होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। सो अब जो भी सिस्टम आप लोगे वो LTI सिस्टम लोगे। ठीक है, नाउ LTI सिस्टम है ये, आपको स्टेबल देखना है कि ये स्टेबल कब होगा। ठीक है, सो बेसिकली आप कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हो तो आपका जो आप क्या चाहते हो उससे, एक सर्टेन तरह का आप उससे आउटपुट चाहते हो। सो बेसिकली आपको उससे एक सर्टेन रिस्पॉन्स डिज़ायर्ड है। ठीक है, सो आप एक सर्टेन इनपुट इस सिस्टम को दोगे और आपको एक सर्टेन टाइप का इनपुट उससे डिज़ायर्ड है कि ये आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, ये आप की रिक्वायरमेंट है कि ये आउटपुट मुझे इस सिस्टम से मिले, इसके लिए मैंने इस सिस्टम को खरीदा हुआ है। ठीक है, सो ये बेसिकली ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नाउ अब बेसिकली डिज़ाइन के टाइम पे आप ये देखें, सॉरी डिज़ाइन के टाइम पे छोड़िए, ये क्या है, आउटपुट है। दैट मीन्स इसको आप लिखे टोटल रेस्पॉन्स। ठीक है, नाउ ये जो LTI सिस्टम है, टाइम डोमेन में होगा इसका इम्पल्स रेस्पॉन्स, एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये होगा आपका टाइम डोमेन और ये होगा आपका एस डोमेन। ठीक है, नाउ अब एक इनपुट आपने अप्लाई किया। ठीक है, इस इनपुट को टाइम डोमेन में लिख सकते हैं एंड इसको आप एस डोमेन में लिख सकते हैं। जो इसका लाप्लास होगा दैट वुड बी इन द एस डोमेन। ठीक है, इसका लाप्लास आप लोगे तो ये एस डोमेन में चला जाएगा। तो सपोज आपका जो इनपुट है दैट इज 1 / s-1। ठीक है, या s+1 ले लो। ठीक है, तो ये जो s = -1 है ये क्या कहलाएगा, इनपुट, ये किसका पोल है, ये इनपुट फंक्शन का पोल है। ठीक है, इसके जो पोल्स होंगे, सपोज इसका जो ट्रांसफर फंक्शन जो है उसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज लाइक दिस s+2 s+3, तो ये जो पोल्स हैं ये किसके पोल्स हैं, ये सिस्टम पोल्स हैं। ये क्या है, इनपुट फंक्शन पोल्स। ये क्या है, सिस्टम पोल्स। ये जो सिस्टम है इसके पोल्स ये हैं। ठीक है, ये फिजिकली क्या है अभी आपको नहीं समझना है, क्योंकि अभी हम जो भी कर रहे हैं वो मैथमेटिकल और थियोरेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, अभी फिजिकली कुछ नहीं देखना अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, नाउ ये है भैया आपके सिस्टम पोल्स। ठीक है, नाउ अब ये देखें आप कि आपने इनपुट दिया। ठीक है, इनपुट देने के बाद कोई सिस्टम किस तरह से स्टेडी स्टेट को रीच करता है। ठीक है, सो बेसिकली आप ये देखें कि आपने इनपुट दिया, टोटल रिस्पॉन्स कैन बी रिटन एज फोर्स्ड रिस्पॉन्स, FORCED। फोर्स्ड मीन्स कि आपने यहाँ पे कुछ फोर्स किया है, दैट मीन्स इनपुट की वजह से जो है। ठीक है, सो फोर्स्ड रिस्पॉन्स प्लस
नेचुरल रेस्पॉन्स, ठीक है। सो टोटल रेस्पॉन्स को दिस प्लस दिस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। नाउ अब बेसिकली ये जो फोर्स्ड रेस्पॉन्स है ये इनपुट फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दैट मींस ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इनपुट फंक्शन पोल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फोर्स्ड रेस्पॉन्स ध्यान रखना, अगर मैं फोर्स्ड रेस्पॉन्स लिख रहा हूं तो बस इसको फोर्स्ड रेस्पॉन्स ही सोचना है, इससे फालतू कुछ नहीं सोचना। ये नेचुरल रेस्पॉन्स लिख रहा हूं तो इसको नेचुरल रेस्पॉन्स ही सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, मिक्स वगैरह मत करना, इम्पल्स रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, ये सब मिक्स मत करना। अभी ये दो चीज़ लिखी हैं, बस ये दो चीज़ आपको सोचनी है, बाकी चीज़ें मिक्स मत करना, ठीक है। और ये जो नेचुरल रेस्पॉन्स है, यहाँ पे फोर्स्ड रेस्पॉन्स वुड डिपेंड अपॉन द पोल ऑफ द इनपुट फंक्शन अप्लाइड, द नेचुरल रेस्पॉन्स वुड डिपेंड अपॉन द सिस्टम पोल्स, ठीक है। सो इन द एंड आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आप बेसिकली ये जो सिस्टम है आपको स्टेबल डिज़ाइन करना है। सो बस आपको मैथमेटिकली सोचना है, एक सिस्टम स्टेबल हो, सिस्टम से आपको आउटपुट चाहिए। सो सब कुछ आपको आउटपुट के बारे में सोचना है। आपने एक इनपुट दिया, आपको आउटपुट एक डिज़ायर्ड चाहिए, एक डिज़ायर्ड आउटपुट आपको चाहिए, दैट मीन्स दिस मस्ट बी कंट्रोलेबल। सो ये कंट्रोलेबल होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये कंट्रोलेबल होना चाहिए तभी आप इस LTI सिस्टम को स्टेबल कह सकते हो, तभी आप एक डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल सकता है, ठीक है। नाउ अब आप ये देखें कि आपने ये इनपुट अप्लाई किया फॉर द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। सो दैट मींस अभी आप ये देखें, मैंने नेचुरल रिस्पॉन्स आपको अभी पता नहीं, मैंने आपको बताया नहीं बताया, ठीक है। नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि सिस्टम एनर्जी को किस तरह से एक्वायर कर रहा है, ठीक है। एक सिस्टम को आपने एनर्जी दिया, उस एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सो ये जो सिस्टम है इसको कुछ एनर्जी मिला और उस एनर्जी को ये डिसिपेट करके एक सर्टेन आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। सो ये जो सिस्टम है ये एनर्जी को एक्वायर, या तो एक्वायर बोल लो या फिर डिसिपेट बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। ये सिस्टम गिवन एनर्जी को किस तरह से डिसिपेट कर रहा है, ठीक है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स आपको बताएगा। एंड दैट मीन्स ये जो बेसिकली ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स है कि वो किस तरह से डिसिपेट कर रहा है एनर्जी को जो इनपुट से मिली है उसको, दैट वुड डिपेंड अपॉन द सिस्टम पोल्स, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो अब मैं ये चाहता हूं कि भैया, सो मैं क्या चाहता हूं कि आउटपुट कंट्रोलेबल हो। सो आउटपुट कंट्रोलेबल कब होगा, जब ये नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं बचेगा। सो दैट मींस स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट का मतलब जब टाइम इन्फिनिटी को रीच कर जाएगा, दैट मींस कुछ टाइम बाद, एक तरह से आप ये सोच लें कि थोड़े टाइम बाद ये नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। दैट मींस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, क्योंकि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो रिस्पॉन्स बच जाएगा उसको स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बोला जाता है, ठीक है। सो अभी ट्रांजिएंट वगैरह मत लेके आना, ठीक है। सो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में ये नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो इनपुट आपने अप्लाई किया है उसी की वजह से जो रिस्पॉन्स आया है वो पार्ट बचना चाहिए, तभी आउटपुट कंट्रोलेबल होगा, ठीक है। सो द सिस्टम वुड बी स्टेबल ओनली इफ यू कैन कंट्रोल द आउटपुट, दैट मींस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मस्ट बी ओनली ड्यू टू दिस, दैट मींस दिस मस्ट रीच जीरो। सो ये जीरो को रीच करना चाहिए, ठीक है। सो ये भैया ये खत्म करो, तभी सिस्टम आपका स्टेबल होगा, तभी आपका जो आउटपुट है वो कंट्रोलेबल रहेगा, अदरवाइज इट विल गो अनबाउंडेड, ठीक है। आप इनपुट कुछ दे रहे हो, ठीक है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम की वजह से है,
ठीक है, ये अनबाउंडेड अगर हो रहा है, नेचुरल रेस्पॉन्स अगर अनबाउंडेड हो रहा है, तो वो इस इनपुट के लिए भी होगा, बाकी इनपुट के लिए भी होगा वो, ठीक है, अगर नेचुरल रेस्पॉन्स अनबाउंडेड हो रहा है. सो ये अनबाउंडेड हो रहा है, दैट मीन्स ये आउटपुट जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है, दैट मीन्स सिस्टम स्टेबल नहीं है, ठीक है. सो ये जो नेचुरल रेस्पॉन्स है, ये जो सिस्टम पोल्स हैं, ये इस तरह से होने चाहिए कि ये जो नेचुरल रेस्पॉन्स है वो जीरो को रीच कर जाए. सो बाकी जो बचा ये रहना चाहिए, ठीक है, फोर्स्ड रेस्पॉन्स रहना चाहिए बस, इन दी एंड, ठीक है. इन दी एंड का मतलब स्टेडी स्टेट में, ठीक है. सो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स मस्ट बी दिस ओनली. सो ये नेचुरल रेस्पॉन्स जीरो करो भैया, अगर आपको सिस्टम स्टेबल डिजाइन करना है तो, ठीक है. अब ये नेचुरल रेस्पॉन्स बेसिकली जीरो को रीच कब करेगा, कब करेगा मतलब कि क्या कंडीशन है कि ये जीरो को रीच कर जाए, ठीक है. सो कंडीशन ये है कि भैया आपको सिस्टम के जो पोल्स हैं, अगर आपका सिस्टम जो है, क्योंकि हम कॉजल सिस्टम की ही बात करेंगे इसमें, कंट्रोल सिस्टम में, सो इसके जो पोल्स हैं वो सारे LHS में होने चाहिए. अगर सारे सिस्टम पोल्स, ध्यान रखना सिस्टम पोल्स की बात हो रही है, सिस्टम पोल्स पे ही नेचुरल रिस्पॉन्स डिपेंड करता है, ठीक है, ये सारे पोल्स LHS में हैं, ओनली देन नेचुरल रिस्पॉन्स वुड टेंड टू जीरो, वुड टेंड टू जीरो एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो इन दी एंड ये खत्म हो जाएगा, बस ये बचेगा, ठीक है, दैट मीन्स आउटपुट कंट्रोलेबल है, दैट मीन्स सिस्टम स्टेबल है, ठीक है. नाउ आपको भैया पोल LHS में रखने हैं. सो ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, ये आपको अगर और इसके बारे में सोचना है, सो आप इस तरह से देखें कि जैसे कि ये सिस्टम है, ठीक है, तो ह्यूमन जो कि आप हैं, वो भी क्या होते हैं, हम भी एक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है. सो ये फर्स्ट ह्यूमन है, ये सेकंड ह्यूमन है, ठीक है, ये भी दो रोटी खा रहा है, ये भी दो रोटी खा रहा है, ठीक है. नाउ अब भैया दो रोटी खाने के बाद बेसिकली और आउटपुट क्या डिजायर है कि भैया गेट क्लियर हो, ठीक है, गेट क्लियर हो, इन दी एंड गेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है. बट सो बेसिकली द ओनली रिक्वायरमेंट कि भैया इन दोनों का गेट क्लियर हो. नाउ अब ये जो दो रोटी वाला बंदा है, इसको आपने दो रोटी से इसको एनर्जी मिली, ठीक है. अब ये उस एनर्जी को, मैं एक पर डे की बात कर रहा हूँ, सपोज ये पर मील हो गया, सो पर मील इसको दो रोटी मिल रही है. अब ये दो रोटी की जो दो रोटी से एनर्जी आई, वो इसको, वो उस एनर्जी को, ये बंदा इस एनर्जी को किस तरह से डिसिपेट करता है, और किस तरह से अपने, किस तरह से इस एनर्जी को वो डिसिपेट कर रहा है, ठीक है, एंड जो रिजल्ट है वो उसको मिल रहा है, दैट मीन्स किस तरह से वो इस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है इन इट्स प्रिपरेशन, ठीक है. रेस्पॉन्स आपको क्या चाहिए, डिजायर्ड रेस्पॉन्स इज गेट क्लियर हो, ठीक है. नाउ अब इसको एनर्जी मिल गया, इनपुट मिल गया, अब ये जो एनर्जी इसको मिला, ये इस एनर्जी को किस तरह से एक्वायर कर रहा है, ठीक है, इस एनर्जी को किस तरह से डिसिपेट कर रहा है. हो सकता है ये इस एनर्जी को भागने दौड़ने में लगा दे, या इस एनर्जी को हो सकता है ये सारी पढ़ाई में लगा दे, या हो सकता है कि ये इस एनर्जी को थोड़ा पढ़ाई में लगाए, या फिर थोड़ा मिल बांट के पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी लगाए, ठीक है. सो ये बंदे बंदे पे डिपेंड करेगा कि ये जो एनर्जी आया, ये इसको किस तरह से डिसिपेट कर रहा है, ठीक है. नाउ सो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा, ये नेच इसकी ह्यूमन की नेचर पे डिपेंड करेगा कि ये जो एनर्जी आया, ये इसको किस तरह से डिसिपेट कर रहा है. ये ह्यूमन टू की नेचर पे डिपेंड करेगा कि इस दो रोटी से जो इसको एनर्जी मिला, उसको ये किस तरह से डिसिपेट करता है, ठीक है. सो दैट मीन्स जो रेस्पॉन्स है इस दो रोटी के लिए, दो रोटी के बाद जो रेस्पॉन्स आएगा, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ह्यूमन डिपेंड करेगा, इसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, वो इसकी नेचर पे डिपेंड करेगा. ऐसे ही ये जो LTI सिस्टम है, ये जो LTI सिस्टम है, ये इनपुट के लिए, एक सर्टेन इनपुट के लिए जो इसको यहाँ से एनर्जी मिला, ठीक है, उसके लिए एक डिजायर्ड आउटपुट है, ठीक है. अब वो उसको रीच कर रहा है नहीं कर रहा है, और उस आउटपुट तक वो जब रीच कर रहा है, ठीक है, तो एनर्जी जो डिसिपेट कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम के पोल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है. इस दो रोटी के एनर्जी को वो किस तरह से यूटिलाइज करके
आउटपुट को रीच करता है, गेट को रीच करता है, ये इसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। ये बंदा किस तरह से दो रोटी से गेट को क्लियर करेगा, ये इस बंदे पे डिपेंड करेगा, इस बंदे के पोल्स पे डिपेंड करेगा, इस बंदे के पोल्स पे डिपेंड करेगा, सिस्टम के पोल्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है। नाउ अब सपोज ये भैया दो रोटी खा रहा है, ठीक है, अभी दो रोटी खा रहा है, बट इसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो सही नहीं है, ठीक है, ये अनस्टेबल बंदा है, इससे पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है, ये अनस्टेबल हो गया, इससे पढ़ाई नहीं हो रही, अब ये उल्टे सीधे कामों में लग गया। फॉर एग्जाम्पल ये काउंटर स्ट्राइक खेल रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद ये WWE खेलने लग गया गेम, ठीक है, या फिर ये थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलने लग गया, इसने कोचिंग जाना छोड़ दिया अगर कोचिंग कर रहा है तो, ठीक है। सो ये दो रोटी तो इसको चाहिए ही चाहिए कुछ रिस्पॉन्स लाने के लिए। अब बेसिकली जो इसका नेचर है वो चेंज हो गया, सो इसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो अनबाउंडेड हो गया, ठीक है। उस नेचुरल रिस्पॉन्स अनबाउंडेड की वजह से, ये नेचुरल रिस्पॉन्स अनबाउंडेड की वजह से ये गेट नहीं निकलेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली ये बात है, ठीक है। सो आप ये सोचें कि दो रोटी के लिए आपको ये गेट निकालना है, ठीक है। सो दो रोटी फोर्स रिस्पॉन्स इज गेट, ठीक है भैया। नाउ अब ये जो है LTI सिस्टम, इसका क्या नेचर है, इसका क्या नेचर है, ये इस इनपुट के लिए किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ये इसके पोल्स पे डिपेंड करेगा, ये इसका नेचर है, इसका नेचर इसके पोल से पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसके जो क्या कहते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स जो इसका है, ठीक है, वो इन द एंड ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो जीरो हो जाता है, तो बचेगा क्या, गेट क्लियर, ठीक है, बाकी सब खत्म हो गया, जो भी है वो गेट क्लियर हो गया, ठीक है, या फिर ये नहीं बचा तो गेट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, ये जीरो हो गया तो क्या बच जाएगा, गेट क्लियर। तो इस तरह से आप एक एनालॉजी बना सकते हैं अपने केस में, ठीक है, सर, समझने के लिए कि भैया गेट निकालना है तो बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़ीरो हो जानी चाहिए, ठीक है। सो नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए, तो क्या बच जाएगा भैया, गेट बच जाएगा, गेट निकल जाएगा।